यूपी के प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में अब प्रदेश के लोग भी स्नान करने के लिए जा पाएंगे। जी हां, कमलनाथ सरकार के निर्देश पर 12 फरवरी से प्रदेश के लोगों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत एक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी, जिसमें कमलनाथ सरकार प्रदेश के लोगों को तीर्थ यात्रा करवाएगी। आप भी देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। शिवराज सरकार के बाद अब मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने भी बुजुर्गों को तोहफा दिया है। कमलनाथ सरकार बुजुर्गों को कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज की यात्रा कराएगी। प्रदेश भर के कुल 3200 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। कुंभ यात्रा 12 फरवरी से शुरू होगी। प्रदेश के 4 शहरों से ये ट्रेन रवाना होगी। प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों को मुफ्त में कुंभ यात्रा कराने का फैसला किया है। इसका लाभ प्रदेश के गरीब बुजुर्गों को मिलेगा। बुजुर्गों को अपने साथ एक केयर टेकर ले जाने की छूट रहेगी, उसका खर्च भी सरकार ही उठाएगी। कुंभ के दौरान बुजुर्गों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए उनके साथ 400 केयर टेकर भी भेजने का फैसला लिया गया है। इसकी सूचना सीएमओ ने अपने आधिकारिक पेज पर भी दी है। कब कहां से जाएगी ट्रेन? 12 से 16 फरवरी हबीबगंज, विदिशा, सागर, दमोह, वाराणसी होते हुए ट्रेन प्रयागराज पहुंचेगी। 14 से 18 फरवरी बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, जबलपुर, वाराणसी होते हुए ट्रेन प्रयागराज पहुंचेगी। 22 से 26 फरवरी शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, कटनी, वाराणसी होते हुए ट्रेन प्रयागराज पहुंचेगी। प्रत्येक ट्रेन में तीर्थ यात्रियों की देखरेख के लिए 10-10 सुरक्षा कर्मी भी साथ रहेंगे। यह यात्रा 5 दिन की होगी और यात्रियों के लिए खाना, चाय, नाश्ता और रुकने की व्यवस्था और तीर्थ स्थल तक बसों से ले जाने और लाने के लिए गाइड की व्यवस्था भी रहेगी। शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चलाई थी, जिसमें गरीब तबके के बुजुर्गों को देश भर के तीर्थ स्थानों की सरकारी खर्च पर यात्रा कराई जाती थी, जिसके बाद अब कमलनाथ सरकार ने भी सौगात दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।